आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक छजलैट के गांव चैधरी अकबरपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 20 किलोमीटर है। 1800 वोटों वाले इस गांव की कमान फकीरा सिंह के हाथों में है। 4 वर्ष में इन्होंने किस तरह से इस गांव को सजाया है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक छजलैट के चैधरी अकबरपुर गाँव में। यहाँ प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम आगे प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो चाहिए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 में, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ 4 साल आपके कार्यकाल को लगभग पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अब तक गांव में करवा लिए? करीब 3400 मकान बन गए, 28 मकान के निरावास बने हैं जी, 5 लोहिया मकान बने हैं बड़े, करीब 300 लैट्रिन हो गया गाँव, हो गया 300। और सड़कों में जितने भी हैं आज जो दिखाई दे रही है सब हमारे कराई हुई सीसी कार्य आपने यहाँ काफी करवाया है। यहाँ पर जो है पेंशन वगैरह मिल रही है लोगों को? पेंशन मिल रही है, यहाँ कुछ की जो चल रही थी वो रुक गई। सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उनका लाभ आपकी ग्राम पंचायत में सभी को मिलता है? हम योजना तो जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बिजली कनेक्शन हो गए सब, या जो ये सरकार ने गैस वाला किसान सम्मान निधि का पैसा जो लोगों के खाते में आ रहा है वो कितने परसेंट लोगों का इस ग्राम वो इस पर 10% लोग और सब आगे बढ़े, 90% लोगों का। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है आपने गाँव में? सोलर लाइट लगवाई, 5-6 लाइट, कूड़ेदान वगैरह लगवाए, कूड़ेदान लगे तो सब तो खराब हो गए। आयुष्मान कार्ड बने हैं? हम आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ एक आदि है बस, कोई चालू ना है, चालू नहीं है, बने ही नहीं है। हाँ बने ही ना है, एक आदि किसी का ना तो बने ही ना है, बने ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ स्कूल में भी आपने कुछ कार्य करवाए होंगे? हाँ, क्या कराए हैं, लाइट में साफ कई बार जो टूट फूट जाए सब सही कराना पड़ा है, वो अब फिर काम चल जाए आपकी। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर है? ना बारात घर नहीं, पंचायत घर, पंचायत घर जहाँ टूट फूट का पुराना खंडर हो गया तो दियारा वर तो सुनता था ना, अभी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं जी। आपने मतलब प्रस्ताव दे रखा है पंचायत भवन को। खेल का मैदान है? खेल का मैदान है हाँ। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र भी है। अस्पताल? अस्पताल भी है, और रहता तो कोई ना खाली रहे जी, वो डॉक्टर नहीं बैठती है उसमें, एनएम वगैरह कोई नहीं, एनएम ये गाँव की जो है हमारे यहाँ ये बैठते हैं। दवाई वगैरह मिल जाती है मरीजों को? ना दवाई वाई तो ना मिलते हैं, थोड़ा बहुत जैसे बच्चों को मान लिया है ना जी, उन्हें देते हैं वो बड़ा डॉक्टर ना करता कुछ दवाई देने वाला, मरीजों को यहाँ कोई सुविधा इस अस्पताल से नहीं मिलती नहीं, है। तो हमने अभी देखा आते हुए काफ़ी मेन रोड से बहुत काफ़ी दूरी पर है आपका ये गाँव का अस्पताल, यहाँ से कितनी दूर आपको पड़ता होगा? अस्पताल कांट ही बस, कांट लगभग 7 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर जी। इसके अलावा आप अपने गांव में सुंदर बनाने के लिए अपने गांव को क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? मांग तो कहां पूरी हो रही है, मांग तो बहुत है, गांव में कमी तो काफी है ही। कमियां हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या कौन सी ऐसी कमियां हैं आपके गांव में जिसके लिए आप चाहेंगे सरकार इस ग्राम पंचायत में ध्यान दे? तो सबसे बड़ी कमी हमारे स्कूल पे है, दो स्कूल है, जूनियर प्राइमरी, ना तो बाउंड्री जी, बाउंड्री ना तो बच्चे खेल कूद का वो सब किवाड़ वगैरह लेटर सब तोड़ पाड़ के खेत खत्म कर देना, बाउंड्री हो जाएगी तो मतलब आप चाहते हैं कि सरकार आपको मतलब इतनी धनराशि जो है दे कि यहाँ स्कूल में आप कार्य करवाएं। इसके अलावा बारात घर को लेकर भी आप चाहें? बारात घर तो है ही, हमारे 3-4 गाँव हो रहे हैं तो बारात घर बन जाए तो अच्छी बात है। सांसद जी आए थे क्या? सांसद निधि, विधायक निधि से यहाँ इस गाँव में कोई मदद मिली आपको? कोई नहीं मिली, सांसद निधि से मिली ना विधायक से मिली, कोई मदद नहीं मिली। सांसद या विधायक आपके गांव में कभी लौट कर आए हैं, देखे हैं गांव की स्थिति क्या है, यहाँ समस्या है? सांसद तो इलेक्शन हुआ था आए थे, इलेक्शन के बाद भी इलेक्शन के बाद कहाँ कौन आ रहा बैठा सर, विधायक लौटे ना बिल्कुल, विधायक देखे ना क्या हो रहा है गाँव में, कोई मतलब यहाँ और कुछ कहना चाहेंगे आप? समस्या तो बदल रही है, रास्ते रह रहे हैं हमारे वो। कितने मीटर सीसी से आपका गांव के सारे रास्ते पक्के हो जाएंगे? सीसी कम से कम 500 मीटर सीसी हो तब रास्ते पक्के होते हैं। ऐसे भी हैं परिवार जिनके आवास की जरूरत है जिन्हें? हाँ, कितने होंगे? हमारे क्षेत्र गरीब आदमी गई है, अब हमारे जो है 149 नाम की सूची है हमारी मकान में दी है हमने, अब ये सब बन जाए तो काम हो जाएगा ठीक हो जाएगा। लगभग 100-125 परिवार हैं अभी? हाँ, जाते बैठेंगे जी, हमारे तो मतलब खदर का गांव है, गरीब आदमी जाते हैं।
जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, स्कूल पर भी काफ़ी कार्य करवाया है, सारी योजनाओं का लाभ भी यहाँ लगभग लोगों को मिलता आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही यदि समस्याओं की तरफ नज़र करें तो काफ़ी समस्याएं अभी यहाँ मूलभूत बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। सबसे प्रमुख समस्या यहाँ बारात घर और पंचायत घर को लेकर है। बारात घर यहाँ इस गांव में बनवाना चाहते हैं और पंचायत घर जिसकी हालत काफ़ी जर्जर है उसके नवनिर्माण के लिए भी प्रधान ने मांग रखी है। लगभग 500 मीटर सीसी की यहाँ आवश्यकता है जिससे इस गाँव की पूरी सड़कें पक्की हो जाएंगी और 100-125 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। यहाँ एक प्रमुख समस्या जो प्रधान द्वारा बताई गई है वो यहाँ के सामुदायिक केंद्र में है, अस्पताल में है। अस्पताल यहाँ से काफ़ी दूरी पर है और जो अस्पताल यहाँ निर्मित है उसमें कभी कोई डॉक्टर मुहैया नहीं होते, लोगों को यहाँ दवाइयों के लिए काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। अशरफ अली के साथ मैं नाज़रीन, 24।